हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सैकत और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल बासुना बर्ड सवेरी में मैं करता हूं बहुत बहुत स्वागत। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर था तो अच्छा से मैं बर्ड्स को मेंटेन नहीं कर पा रहा। तो मेरा जो भाई है बर्ड्स को खाना वगैरह देता था, वो बर्ड्स का सारा केयर वही करता था। तो मुझे फ़ोन पे पूछता था डेली, मुझसे बात होता था कि भैया कैसे करूँ क्या करूँ, तो मैं उसको गाइड करता था। ऐसे भी उसे पता भी है कि क्या क्या करना है, कब उसको बर्ड्स को फ्रूट देना है, कब मिक्स फीड्स देना है। तो वो सारा ठीक अच्छे बहुत अच्छे तरह से मेंटेन करता था। मैं वीडियो कॉल पर बीच बीच में देखता था, सारे बर्ड्स बहुत ही हेल्दी है मेरा। तो एक दिन मैंने उसको बोला कि सब बर्ड्स का जो मेरा सनकुनूर का जो नया सेटअप मैंने बैठाया, तो उसको मैंने बोला कि एक बार भाई तुम चेक करके देख लो, उससे किसी में अंडा दिख जाए या किसी में बच्चा भी आपको दिख जाए। तो उसने फिर सारा बॉक्स चेक किया, तो उसने फिर तुरंत मुझे फ़ोन किया कि भैया एक बहुत ही खुशी का खबर है। कि मैंने पूछा क्या, बाकी सारा बॉक्स तो खाली है, सिर्फ एक बॉक्स में चिक्स है, वो भी तीन चिक्स है और तीनों चिक्स बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा भी हो चुका है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तो कल परसों में आ जाऊँगा तो फिर हम निकाल लेंगे। तो मैं आज ही घर आया हूँ, तो इसीलिए मैं सोचा आप सबों के साथ मैं ये वीडियो शेयर करूँगा। तो अभी भी मैंने वो चिक्स को नहीं जाके देखा, अभी मैं थोड़ा देर पहले ही घर घुसा हूँ। तो फिर मैं सोचा तुरंत कि आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैं भाई को बोला चलो भाई मेरा एक वीडियो बना दो। तो मुझे आप सभी को दिखाना है कि वो चिक्स कैसा है, मुझे भी देखना है वो बच्चा ठीक है या नहीं, मुझे एक बार चेक करना होगा। तो इसीलिए चलिए अंदर चलते हैं और वो चिक्स को आपको दिखाते हैं। सनकुनूर का ब्रीडिंग सेटअप, अंदर चलते हैं। तो भाई किस बॉक्स में था, इसमें क्या तुमने बोला था? ये चार नंबर से इसमें था। अच्छा अच्छा, तो इसका पेयर मैं सभी को दिखा देता पहले। भाई एक बार इसका पेयर दिखा देना, फीमेल सामने ही बैठी है। अब इसका चिक्स को देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग कैसे बॉक्स का सामने आए, तो ये भी आ गया है देखने। वाव, तो बहुत ही हेल्दी चिक्स है। वाह, यहाँ पर दो चिक्स दिख रहे हो और एक पॉच आता है इधर। चलिए तीनों को अभी निकाल लेते हैं, देखते हैं फिर इन लोगों का हेल्थ कैसा है। ये है सबसे छोटा वाला। वाह गाइस, देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा क्वालिटी का है। मतलब देखिए अभी से इसका पर जो है येलो हो रखा है और इसका सिर देखिए पूरा रेड रेड है। और एक बच्चा निकालते हैं इसको। अभी से इनका जो पर है ना, उसका विंग देखिए पूरा येलो हो चुका है और उसका हेड देखिए अभी से कितना रेड है। वाह, तो चलिए अभी इसको टोकरी में हम लोग रख लेते हैं, क्योंकि हैंड फीडिंग पे हम लोग इसको उठा लेंगे अभी। ठीक है, काफ़ी बड़ा हो चुका है हैंड फीडिंग पे उठाने के लिए। और ये रहा सबसे बड़ा वाला, ये सबसे आज पहले हैच हुआ है। मैंने ये देखिए गाइस, तीनों चिक्स बहुत ही हेल्दी है, इनका मदर फादर ने इनको बहुत ही अच्छे तरह से फीड करवाया। वाह देखिए इसका कलर एक बार देखिए गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का निकलेगा। देखिए अभी इसका विंग है पूरा येलो हो रखा है और इसका फील भी देखिए पूरा रेड है। तो चलिए अभी इनको मैं घर में लेके जाता हूँ, हैंड फीडिंग करवाता हूँ। तो अभी तो इनका क्रॉप भरा हुआ ही है, अभी नहीं कुछ देर बाद, दो घंटा तीन घंटा बाद जब इसका क्रॉप खाली हो जाएगा तो मैं उसको हैंड फीडिंग दूंगा। तो गाइस हम लोग तो अभी मेरे गार्डन से, मेरे बर्ड फार्म से जो सनकुनूर का तीन चिक्स हुआ था उनका अभी तीन छोटा छोटा जो बेबी है उनका अभी मैं घर लेके आ चुका हूँ। दिखा देता आप सभी को बेबी। वाह बहुत ही प्यारा तीन बेबी है। ठीक है, ये दो थोड़ा सा छोटा है और ये एक बहुत बड़ा हो चुका है। तो इन लोगों का क्रॉप भी अभी खाली हो चुका है, लगभग तीन चार घंटा हो गया है, इन लोगों का क्रॉप भी अच्छा तरह से खाली हो चुका है। तो अभी इन लोगों को फीड करा देते हैं। तो चलिए इन लोगों का मैं हैंड फीडिंग फार्मूला पहले रेडी करके लाता हूँ, उसके बाद मैं इन लोगों को फीड कराऊँगा। ठीक है, चलिए पानी में गर्म करके ला रहा हूँ इनको हैंड फीडिंग कराने के लिए। तो उसके बाद मैं A19 और हम लोगों का जो देसी जो हैंड फीडिंग फार्मूला है वो है सत्तू, जो चने का सत्तू है उसको मैं मिला के इसका साथ चने का सत्तू थोड़ा मिला के उसके बाद मैं इन लोगों का हैंड फीडिंग कराऊंगा। क्योंकि मैं अपने बर्ड्स को जो है चना तो देता ही था सुबह को, डेली सॉफ्ट फूड में चना देता था, तो वो चना तो इन लोगों को खिलाता ही है जरूर। तो इसीलिए मैं चने का सत्तू भी थोड़ा सा यूज़ करूँगा और A19 भी यूज़ करूँगा और उसके साथ चने का सत्तू भी यूज़ करूँगा। तो थोड़ा सा A19 भी जो है थोड़ा सा कम यूज़ होगा और सत्तू का जो प्रोटीन है वो भी इन लोगों को मिलेगा, इन लोगों का बॉडी वेट भी है बहुत अच्छे तरह से मेंटेन रहेगा। ठीक है, और अब बच्चा का ग्रोथ भी बहुत जल्दी होगा सत्तू और A19 मिलाने से। और हाँ, अगर आप पहले बार फीड करा रहे तो नियोपेप्टाइन आपको देना बहुत ही ज़रूरी है,
ठीक है। उसके बाद 2-3 दिन देने के बाद आप निमोपेप्टिन बंद कर दीजिएगा, उसके बाद आप नॉर्मली सिर्फ हैंड फीडिंग दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले टाइम के लिए पहले 2-3 दिन आपको निमोपेप्टिन देना ही होगा। तो अभी मैं पानी जो है गर्म करके लाता हूँ, उसके बाद मैं सत्तू और ए19 मिक्सचर बना के इन लोगों को फीडिंग कराऊंगा। पानी जो है गर्म करके ला चुका हूँ, तो अभी इनमें हैंड फीडिंग फार्मूला और सत्तू मतलब देसी प्रोटीन इसमें डाल के मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है। इसका पहले तो मैं चिक्स को जो है मेरा जो होममेड हैंड फीडिंग फार्मूला है उसी से फीड कराता था, मतलब थोड़ा सा ए19 और थोड़ा सा मतलब सन कुनूर का चिक्स के लिए थोड़ा सा ए19 और थोड़ा सा मेरा होममेड हैंड फीडिंग फार्मूला को मैं मिक्सचर बना के इन लोगों को फीड कराता था। लेकिन अभी तो हैंड फीडिंग फार्मूला ख़त्म हो गया, इसीलिए बनाने का टाइम भी नहीं मिला, तो इसीलिए मैं सिर्फ सत्तू से काम चला ले रहा हूँ। इसका अगले बार जब फीड कराऊंगा तब मैं होम अपना हैंड फीडिंग फार्मूला उसमें ऐड करके बच्चे को फीड कराऊंगा, ताकि इसका ग्रोथ भी और ज़्यादा अच्छा होगा। इसका पहले जो सन कुनूर में लाया था उसका ग्रोथ मतलब बहुत अच्छा था। क्या करते थे ए19 के साथ वो मेरा होममेड हैंड फीडिंग फार्मूला 1 चम्मच डाल के उसको अच्छा से मिला के और जो सारे चिक्स होता था सन कुनूर का उसको मैं फीड करा देता था, तो बहुत ही हेल्दी होता था। तो अभी तो ए19 वो तो मेरा हैंड फीडिंग फार्मूला ख़त्म हो चुका है अभी, तो इसीलिए मैं सत्तू से काम चला रहा हूँ। इसमें ज़्यादा मोटा नहीं करना है, हल्का पतला ही रखना है। मैं 2 चम्मच ए19 और 1 चम्मच सत्तू इसमें डाल के इसको एक मिक्सचर बना दो, उसके बाद मैं इसको फिट करा दूंगा, ठीक है। अभी पहले मिक्सचर रेडी कर लेते हैं, उसके बाद मैं नियोपेप्टन इसमें ऐड करूंगा, उसके बाद जो है सनकुलन का चीज़ को फिट कराऊंगा। मिक्सचर जो है हैंड फीडिंग मिक्सचर रेडी कर चुका हूँ, तो अभी इसमें नियोपेप्टन ऐड करता हूँ, तो ज़्यादा नहीं, मोटा मोटी 10 ड्रॉप मैं ऐड करता हूँ। दस ड्रॉप इसमें नियोपेप्टन में ऐड किया, उसके बाद अच्छे से बना लेते हैं। एक बार मेरा हैंड फीडिंग फार्मूला जो है रेडी हो चुका है, मैं इसमें नियोपेप्टन भी ऐड कर चुका है। देखिए ज़्यादा मैंने ये मिक्सचर जो है ज़्यादा मोटा भी नहीं किया, ज़्यादा पतला भी नहीं किया, ठीक है। अभी इसको अभी जो सारे चिक्स है 3 चिक्स है उसको मैं फीड करा देता हूँ। सबसे छोटा चिक्स एक चिक्स और ये एक चिक्स, मिक्सचर भी देख लेते हैं एक बार कितना ज़्यादा ठंडा है, तो ठीक है मिक्सचर ज़्यादा गर्म होगा तो इन लोगों को मत दीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ठंडा कीजिए तो उसके बाद ही दीजिएगा। देखिए कितना अच्छे से खा रहा है, फर्स्ट टाइम है इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, इसके बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो बहुत अच्छी तरह से खा पाएगा। आस्ते 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 फीड करना है हमें इसे, ये थोड़ा सा अच्छा से फीड कर पा रहा है। और देखिए फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा से फीड कर रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, देखते हैं इसको ये कैसे फिट करता है। देखिए इसका फेदर्स देखिए एक बार, मैं जितना बार देखता हूँ बस देखते रहता हूँ। देखिए अभी से कितना ज़्यादा येलो डोमिनेंट हो चुका है इसका फेदर्स, इसका हेड देखिए गाइस पूरा लाल हो रखा है अभी से ही, इतना छोटा से इन लोगों का पूरा फेदर्स में अभी से येलो पन आ चुका है, मतलब बड़ा होकर क्या क्वालिटी होगा ये तो आप समझ सकते हैं। तो देखिए इसका भी धीरे धीरे, इसका भी थोड़ा थोड़ा, इसका तो उतना ज़्यादा नहीं आया है लेकिन इसका और इसका ये दोनों का बहुत अच्छी तरह से फेदर्स येलो आ चुका है। देखिए अभी से इसका भी येलो आ रहा है और इसका हेड भी देखिए रेड है, देखते कैसा इसका क्वालिटी बनता है। इसका पहले मैं जितना सारा सनकुनूर को हैंड फीडिंग करा रहा था, तो सनकुनूर का जितना सारा चिक्स था उसमें वो सिर्फ इसी टाइप का ही होता था, मतलब ये पीछे पूरा ग्रीन रहता था और ये मुंह ऐसे थोड़ा सा इसका जो हेड है थोड़ा सा रेड रहता था, और बाद में उसके बाद वो जब एडल्ट होता था वो पीछे आस्ते आस्ते धीरे धीरे पीला होने लगता था। लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि छोटा से ही पूरा येलो फेदर्स इसका आ चुका है।
फ्रेंड्स, अभी इन लोगों का हैंड फीडिंग जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है और मैंने देखिए क्रॉप इन लोगों का भर चुका है, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा अभी भी खाली है। ठीक है, अभी दो तीन घंटा बाद फिर से इन लोगों को हैंड फीडिंग देना पड़ेगा, तो अभी 2-3 घंटे के लिए काफ़ी है। देखिए, तो चलिए इन लोगों का अभी बकेट में इन लोगों का भी भर के रख देते हैं, थोड़ा सा गर्म रहेगा। और इसको मैं भी कपड़ा से ऐसे ढक दूंगा रात का टाइम, क्योंकि अभी तो ठंड ठंड का टाइम आ चुका है, इसीलिए थोड़ा सा ढक के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आप सभी को कैसा लगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल बासुना बर्ड्स सबेरे को, ताकि मैं आप सभी के लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बना पाऊँ। सब्सक्राइब करने के बाद देखिए बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि मेरा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में मेरा पेज है बासुना बर्ड्स सबेरे नेम। मैं मेरे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।